जस्टिस लोढ़ा कमेटी सिफारिश मामले में बीसीसीआई को मिला सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका। सिफारिश लागू नहीं करने के लिए कोर्ट ने अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को किया पद से बर्खास्त। कोर्ट की अवमानना के लिए नोटिस भी किया जारी। बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के की भी सुप्रीम कोर्ट ने की छुट्टी। कोर्ट फैसले के बाद शिर्के ने कहा बीसीसीआई से उनका नाता हुआ खत्म। बीसीसीआई में अब नहीं होंगे मंत्री, सरकारी अधिकारी और सजायाफ्ता। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को सभी को बाहर रखने के दिए आदेश। सूर्य नमस्कार की फोटो शेयर करने पर मोहम्मद कैफ को ट्विटर पर मिली नसीहत। कमेंट्स में कुछ लोगों ने इसे बताया मजहब के खिलाफ। कैफ ने संपूर्ण व्यायाम बताकर आलोचकों को दिया जवाब। भारतीय टेनिस स्टार लियांडर पेस जल्द कह सकते हैं टेनिस को बाय बाय। चेन्नई ओपन टेनिस के दौरान दिए संन्यास लेने के संकेत। नमस्कार, एटीवी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को क्लीन बोल्ड कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को सुप्रीम झटका देते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और बताते हैं कैसे बीसीसीआई हुई क्लीन बोल्ड। लोढ़ा कमेटी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और बीसीसीआई के बॉस अनुराग ठाकुर को आखिरकार अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लोढ़ा कमेटी सिफारिश मामले में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए फैसले की घड़ी आखिर आ ही गई। फैसला भी ऐसा जिसने बोर्ड को झकझोर कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया और कहा कि बोर्ड से जुड़े वो सभी अधिकारी जिन्होंने जस्टिस लोढ़ा पैनल की सिफारिशें पूरी तरह नहीं मानी है उन्हें जाना होगा। अनुराग ठाकुर अजय शिर्के दोनों नहीं बने रहेंगे, ये तो बहुत लोग नहीं बने रहेंगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट और परजरी भी इनिशिएट हुआ है, जो सबसे बड़ी बात है कि अभी फुल ऑर्डर भी आने दीजिए, चूंकि ये लोग मेन लोग हैं, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं एक शख्स और है रत्नाकर सेट्टी, उसके भी हलफनामा पे कोर्ट ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाया था। फुल ऑर्डर जब आएगा देखेंगे, और क्योंकि कोर्ट में अगर आप गलत एफिडेविट डालते हो तो ये इस पर तो आपको परजरी में फंसना ही, और कोर्ट का आदेश नहीं मानते हो तो आपको कंटेम्प्ट भी झेलना है। तो चूंकि बोर्ड में अध्यक्ष सचिव सबसे अहम पिलर होता है तो इनको बोर्ड ने रिमूव किया है और नोटिस भी इश्यू करके परजरी और कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बीसीसीआई में 70 साल से ज्यादा के हो चुके पदाधिकारियों को भी विदा होना पड़ेगा। हालांकि अपनी पिछले सुनवाई में ही कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और अपने तेवर भी साफ कर दिए थे कि बोर्ड की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट ने इसके अलावा बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर अवमानना का मामला चलाने का नोटिस भी दिया है और अब अगर परजूरी का मामला साबित हुआ तो अनुराग ठाकुर जेल भी जा सकते हैं। वैसे ये नौबत इसलिए आई क्योंकि बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा। बोर्ड के मुताबिक लोढ़ा कमेटी की ज्यादा सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ बातें व्यवहारिक नहीं थी जिसको लेकर गतिरोध बना रहा। मसलन अधिकारियों की उम्र और कार्यकाल का मुद्दा, अधिकारियों के कूलिंग ऑफ पीरियड का मुद्दा और एक राज्य एक वोट की सिफारिश बोर्ड को मंजूर नहीं थी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए तुरंत प्रभाव से बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया है और अब जब तक नए ऑफिस बियरर नहीं लगाए जाते हैं तब तक बीसीसीआई का कामकाज बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। बहरहाल लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने बीसीसीआई की एक ना चली और बोर्ड अधिकारियों को अपने पद से हाथ धोने पड़े।
स्पोर्ट्स डेस्क ईटीवी न्यूज। और चलिए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। मुझे गर्व है कि भारतीय क्रिकेट की सेवा करने का सम्मान मिला। पिछले वर्षों में भारतीय क्रिकेट ने प्रशासन और खेल के विकास में काफी सुनहरे दिन देखे हैं। बीसीसीआई देश का सबसे सफल खेल संगठन है और देश में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को राज्य क्रिकेट संघों की मदद से बनाया गया है। भारत जितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी देता है दुनिया में किसी देश ने नहीं दिए हैं। मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी बल्कि एक खेल संस्था की स्वायत्तता की लड़ाई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं जो किसी भी भारतीय को करना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है तो मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। मुझे यकीन है भारतीय क्रिकेट उनके मार्गदर्शन में अच्छी तरह काम करेगा। भारतीय क्रिकेट और खेल की स्वायत्तता के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और सदा प्रतिबद्ध रहूंगा। इधर बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वीरभद्र सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि वो क्रिकेट के खिलाफ नहीं है लेकिन कानून के मुताबिक ही संस्थाएं चलनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हमारा मुद्दा ये हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, किसी गेम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी संस्था हो खेल की वो अपने कायदे कानून के मुताबिक चले और अपने दायरे के अंदर रहें ईमानदारी के साथ। ये हमारा ये स्टैंड हमारा पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। तब मैंने कह दिया, मैं कह दिया आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कानून को इंटरप्रेट करना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है। उन्होंने जैसे इंटरप्रेट किया है उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेने का अधिकार, कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार है और उन्होंने जो किया है निर्णय उसका उस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जस्टिस आरएम लोढ़ा, जस्टिस मुकुल मुद्गल, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और पूर्व कोषाध्यक्ष किशोर रोंगटा का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 18 जुलाई 2016 को सुना दिया, हमारी रिपोर्ट को मान ली और हमें हिदायत दी थी कि आप इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टाइमलाइंस फिक्स की और बीसीसीआई और उनके ऑफिस बेयरर्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो टाइमलाइंस के तहत काम करे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करे। चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमें सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट देनी पड़ी एंड उस रिपोर्ट के आधार पर और बीसीसीआई और इनके अधिकारियों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। देखिए, कुछ लोगों को इस बात की शायद समझ नहीं थी कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदल चुकी थी और आप लोढ़ा कमेटी से अग्री करें ना करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अग्री करने का सवाल ही नहीं आता। तो किसी की इस भारतवर्ष में किसी भी एसोसिएशन किसी बॉडी को ये हक नहीं है कि वह कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। ठीक, जो क्रिया हुई है भारतीय स्पोर्ट में, भारतीय क्रिकेट में, हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे, आज अगर रोशनी दिखाई पड़ रही है तो उस रोशनी के लिए हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस ठाकुर को स्पेशली।
हम शुक्राना कहना चाहते हैं। देखिए ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, लोढ़ा कमेटी ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी, और अगर कोई ये मानता था कि ऐसा डिसीजन नहीं होगा तो लोढ़ा कमेटी डिफंक्ट कर दी जाती। लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस बिल्कुल क्लियर थे एंड बोर्ड इसमें सोता रहा इस प्ली के ऊपर कि हमारे मेंबर्स इस चीज को अग्री नहीं कर रहे हैं। तो बीसीसीआई पर यह सुप्रीम फैसला यहां पर आया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जीएस वालिया साहब जुड़ रहे हैं, सचिव हैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, और मेरे सहयोगी दीपांशु भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वालिया साहब ये बताइए, इस कुर्सी में आखिर ऐसा है क्या, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो इस कुर्सी पर बैठता है वो टिकता नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि कुर्सी से किसी को कोई लगाव है या उसमें कोई ऐसा चुंबक लगा है जो उसको पकड़ लेती है। जितने लोग भी इसमें आए, क्रिकेट की आप पुरानी हिस्ट्री ले लीजिए, पहले ही टेन्योर थी 3 साल की, अभी जो अमेंडमेंट पीछे हुई थी उसको छोड़ दीजिए, तो एक जो आता था इंसान ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता था, वो सेक्रेटरी बनता था, उसके बाद ट्रेजर बन जाता था, क्योंकि जो नीचे वर्कर आते हैं वो प्रेजिडेंट मटीरियल नहीं होते। किसी भी संस्था को चलाने के लिए 4 तरह के जो लोगों की जरूरत होती है, सबसे पहले उसके एक्सपर्ट्स, जैसे अब क्रिकेट की बात है रेफरेंस से, जो क्रिकेटर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, अंपायर्स कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, रूल फ्रेमिंग कमेटी है, वो सारे क्रिकेटर्स की कमेटी होती है, और क्रिकेटर्स की कमेटी ही है वो, बोर्ड में भी वही है और स्टेटों में भी वही है जी। दूसरे होते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है वर्कर। आप वन डे और इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दीजिए, अब अंडर 19 की टीम है, असम की टीम पंजाब आई है, उसको टीम को रिसीव करना, उनको बिठाना, उनको सेटल कराना, ग्राउंड लेके आना, उनका ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करना, जब से ये डेडिकेटेड वर्कर नहीं होंगे और हर स्टेट में हैं तभी ये क्रिकेट इतना चल रही है। कितने मैच हो रहे हैं रणजी ट्रॉफी के, कितने अंडर 19 के, रणजी ट्रॉफी और अंडर 19 की सेम पैरेलल ट्रॉफीज हैं जो टूर्नामेंट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेटर्स ना, क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी देखे, खिलाड़ी ही रखरखाव करे, तो क्या तकलीफ है? हमेशा ही क्यों राजनेता आते हैं, हमेशा ही क्यों एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें बन के आते हैं, और कोर्ट तो काफी सालों से कहता है क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेटर्स, इसको क्यों नहीं रहने देते? मैं उसको मैं क्लियर करता हूं, कीजिए, मैं बताता हूं जी। दूसरा तीसरा आता है जो सेक्रेटरी बन जाते हैं, ब्रजेश पटेल हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ठीक है। आप ये संस्था ऐसी नहीं है, आप कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका है, कभी कोई किसी संस्था का मुकदमा है, किसी का आ रहा है, जब तक वो पढ़ने लिखने में पेपर वर्क में सेक्रेटरी कामयाब नहीं होगा वो किसी संस्था को रन नहीं सकता। वो क्रिकेटर भी हो सकता है, पंजाब में पांडव रहे हैं, ब्रजेश पटेल हैं, दिल्ली में चेतन चौहान हैं, ये क्रिकेटर्स हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। लेकिन और चौथी दर्जा जैसे अरुण जेटली जी ने बनाया, दिल्ली का स्टेडियम नहीं बन सकता अगर अरुण जेटली प्रेसिडेंट ना होते। सर आपने उंगलियों पे गिना दिए 3-4 नाम, तो ये जो कि क्रिकेट से अभी जुड़े हुए हैं, बॉडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकियों का क्या? ठाकुर साहब ने एक मैच खेला था, बाकी और लोगों की बात की जाए, श्रीनिवासन का क्या, ऐसे कई नाम सामने, शिरके साहब का क्या, कुछ भी इनका संबंध नहीं रहा क्रिकेट से उसके बाद भी? मैं पंजाब में क्रिकेट, शिरके साहब 25-30 साल से क्रिकेट संस्था से जुड़े हुए हैं, एकदम वो ऊपर से पैराट्रूपिंग करके नहीं टपके हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट से शुरू से जुड़े हुए थे। मैं वर्कर था, मैं पटियाला से वर्कर काम कर करके ऑनरी सेक्रेटरी बना हूं, 35-37 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, तो जो पैराट्रूपिंग नहीं है। पवार साहब अगर आए हैं तो एज मेंबर बने थे, वो सीधा कोई आके प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, बीच में से और भी प्रेसिडेंट बॉम्बे आए हैं। अब अरुण जेटली जी अब छोड़ गए हैं क्रिकेट को, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उनको कहो वो पैराट्रूपिंग। अच्छा, आपने नहीं कहा कि वो छोड़ गए क्रिकेट को, साबित छोड़ना क्यों नहीं चाहते? श्रीनिवासन को कहा गया कोर्ट ने यू स्टेप असाइड करने में महीनों लग गए, स्टेप असाइड हुआ नहीं था, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले गावस्कर साहब को इंटरिम बनाया जाए, वो गावस्कर साहब इंटरिम प्रेसिडेंट बने, शशांक मनोहर आए क्योंकि उनको आईसीसी की गद्दी मिल गई जल्दी तो वो चले गए, आपके यहाँ पे अनुराग ठाकुर आते हैं ये भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, ऐसा क्या हो जाता है, छोड़ा क्यों नहीं जाता हमसे पद? नहीं बिल्कुल, कभी अनुराग ने कभी ये नहीं कहा, उसके जो है मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सारी स्टेटें भी मानती हैं, अनुराग ठाकुर का भी अभी आपने ही सुनाया है कि वो मानते हैं कि मैं वर्डिक्ट मानता हूं, ऑनरेबल जो लैंड ऑफ द लॉ है, सुप्रीम कोर्ट इज द
टॉप मोस्ट अथॉरिटी, लेकिन अब तो मानना उन्होंने हर बार किया है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे। वालिया साहब आपको माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, दीपांशु आपसे भी आगे बातचीत चलती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, हम जल्द हाजिर होंगे। बीसीसीआई बोल्ड हो गई है और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ वालिया साहब भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी दीपांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है। दीपांशु, काफी लंबे समय से आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, ये बताइए क्या लगता है अब क्या क्रिकेट का भविष्य? देखिए, सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तब जाकर के पता लगेगा कि जो टॉप ब्रास है उसको कितना हटाने में हम सफल रहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब रिकमेंडेशंस माननी पड़ेंगी। अनुराग ठाकुर जा चुके हैं, शिर्के जा चुके हैं, तमाम अभी भी अधिकारी हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। 19 जनवरी तक एक बड़ा फैसला आ सकता है और जो उनको भी जब साइडलाइन किया जाएगा तब मुझे लगता है कि नए अधिकारी बनाए जाएंगे। और जब तक कंप्लीट व्हाइट वॉश नहीं हो जाएगा, जब तक क्रिकेटर्स इंस्टीट्यूट में नहीं आ जाएंगे और जब तक के वो लेवल के अधिकारी जो लोढ़ा कमीशन की सिफारिशों में, मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और सितंबर में चुनावों के बाद कुछ नया पहलू देखने में आ सकता है, लेकिन इसमें क्रिकेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। टीम हमारी टेस्ट में चैंपियन टीम है, नंबर एक टीम है, अच्छा खेलते ही आ रहे हैं खिलाड़ी। मुझे लगता है कि संस्थाओं का फर्क खिलाड़ियों पे नहीं पड़ेगा। इस देश के पास बहुत टैलेंट है और बहुत आगे जाना है क्रिकेट को, तो रिवैम्प जो करने के लिए मुझे लगता है कि समय लगेगा। लेकिन आपके पास आना चाहूंगा वाले साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप वेलकम करते हैं इस डिसीजन का जो आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है? हाँ, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक ये कैसे कह सकता है, मैं भी एक नागरिक हूँ यहाँ का, कि जो मैं वेलकम नहीं करता। उसको मानना पड़ेगा, उसके जो त्रुटि हैं उसको ठीक करनी पड़ेंगी, लेकिन इतना ये कह देना कि कुछ नहीं हो रहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम कोई वर्षन ले लीजिए, हमने हर तरह के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 2020 ले लीजिए, वनडे ले लीजिए, टेस्ट रैंकिंग ले लीजिए, क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी तरह चल रही है। क्रिकेट पे ना पीछे फर्क पड़ा है ना आगे को फर्क पड़ेगा। मैं एज ए वर्कर आपको अपनी अपना जो सोच है मेरी मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो वो भविष्य पीछे भी ठीक था, अब भी ठीक है, आगे को भी ठीक रहेगा। व्हाट इज नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होने वाला नहीं करता है, वो दूसरे आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अगला स्टेप है कि फिर दोबारा स्टेट्स बैठेंगी, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगी। जो नया स्टेटों ने तो बहुत पहले ही कहा था कि हमें टाइम चाहिए। आप देखिए, हर स्टेट डिफरेंट एक्ट के अंदर वो बनी हुई है सदस्य। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एक सोसाइटी है, दिल्ली कंपनी है, और हर हर जो स्टेट है उसमें हर स्टेट का सोसाइटी एक्ट अलग है, उसके उसके आपको उसको भी पालन करना पड़ेगा। सर, आप ये बात मानते हैं कि क्रिकेटर्स को इसमें आना चाहिए? जो नाम जो बिल्कुल उनकी क्लीन छवि रही है, गुंडप्पा विश्वनाथ साहब, दिलीप वनसरकर साहब, इन लोगों की जो छवि है बिल्कुल साफ रही है, क्या इन लोगों को आना चाहिए? और जिमी अमरनाथ साहब, छवि है बिल्कुल, तो नहीं, दिलीप वेंसारकर तो ऑलरेडी है, बॉम्बे के वाइस प्रेसिडेंट है वो तो। व्हाट अबाउट जिमी अमरनाथ, बातें चल रही, क्या क्या आपको लगता है कि उन जैसे लोगों को आना चाहिए ताकि क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स देखे, होल्ड बिल्कुल बना रहे, खिलाड़ी की भावना खिलाड़ी समझे, कोई परेशानी है तो बोर्ड में खिलाड़ी है, बड़े भाई जैसे हैं उनको बता दें सोल्ड हो जाए। उन्होंने कैरियर ही मेरे तो छोटे भाई जैसा है, तो उसका क्रिकेटर कैरियर ही पंजाब से शुरू हुआ है। बड़े फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेटर हैं, समझ बूझ वाले आदमी हैं, ठीक है, तो है। और कोई भी आ सकते हैं, हम तो खुला है पंजाब में। मैंने पीछे कहा कि जो क्रिकेटर काम करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइए काम कीजिए, क्योंकि पंजाब क्रिकेट जी। वाले साहब ये बताइए, लेकिन क्या अब पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ, लोग परेशान होते हैं, क्रिकेटर्स परेशान होते हैं जिनको ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। अब आपको नहीं लगता पारदर्शिता आनी चाहिए? नहीं, कोई क्रिकेटर परेशान नहीं है, कुछ इंडिविजुअल को मैं नहीं कह सकता, इंडिविजुअल आगे को भी देखना, फिर भी कोई ना कोई जो उससे सहमत नहीं होता जो वो परेशान होगा। लेकिन आप टोटल जो इंडिया खेल रहे हैं, आप एक सर्वे करवा लीजिए सब स्टेटों में कि जो इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं उनका क्या है, वो क्या कहते हैं जो, लेकिन हर स्टेट का नहीं, आप एक इंडिविजुअल को ना लीजिए, टोटल आप करवा लीजिए, जो टेस्ट खेले हैं वनडे खेले हैं उनका सर्वे कीजिए कि उनका क्या बोलना है, फिर आपको क्लियर पिक्चर आएगी। चार आदमी ये कहें बुरा हो रहा है, चार आदमी कहें अच्छा हो रहा है, वो मैटर नहीं करते, मैं दोनों तरफ से बात कह रहा हूं। तो आप टोटल सर्वे कीजिए, फिर आपको पता लगेगा क्रिकेट इतना बुरा नहीं है,
क्रिकेट हम देखो क्या पोजीशन है हमारा, रुतबा इंटरनेशनली कहाँ पे है, कितना अच्छा क्रिकेट बढ़िया चल रहा है। सर हमने क्रिकेट पे कभी बात नहीं की, क्रिकेट में हम भी जानते हैं नंबर वन टीम है, माशाल्लाह विराट कोहली यहाँ पाए जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे होते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे। क्रिकेट पे बात नहीं, इट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां पे कहीं ना कहीं बातें आती थी कि गार्बेज आ रहा है, बहुत फंड्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसको लेकर के बात हो रही थी। अब दरअसल में बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जाने को कहा है, तो वन शुड वेलकम द डिसीजन। और अनुराग ठाकुर पे भी सवाल ही उठते हैं कि इतने दिनों तक क्यों रुके रहे, वो पता था, ये तो बात तय था कि जाना है ही, आज नहीं तो कल जाना थी। बीसीसीआई का रवैया ये हमेशा क्यों रहा, सवाल इस पे है कि आप हमेशा टाइम बाय करें, हो सके जितना, दो महीने का समय, तीन महीने का समय, जुलाई को बहुत समय हो गया सर। अभी आपके आप अभी आपने चैनल पे खुद ही अनुराग ठाकुर का बताया कि उसने कहा है कि मैं हट रहा हूं, मैं वेलकम करता हूं, मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का। सर आज तो क्यों? ना मानने का तो काम ही नहीं है, जो इतना टाइम ले लिया सर, इतना टाइम ले लिया, कोई इंसान मानेगा सुप्रीम कोर्ट का? चलिए, इतना पेचीदा काम है, इतना सिंपल नहीं है, हर स्टेटों का अलग लॉ है, उसको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, आप उन पे प्रेशर डालिए कि स्पोर्ट्स का एक टोटल एक बिल लेके आए जो टोटल स्टेटों को भी लगे और सब स्टेटों को यह पता हो कि ये स्टेट में एसोसिएशन किस एक्ट के रजिस्टर होनी है। देयर शुड बी समथिंग कॉमन फॉर ऑल गेम्स, मैं क्रिकेट की अकेला नहीं कह रहा, तब जाके क्रिकेट कोई भी गेम इंप्रूव होगी। दीपांशु, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है, तो ये लोढ़ा कमेटी गवर्नमेंट को भी कही पार्लियामेंट लॉ पास कर, खरा नहीं उतरा गया है, हर बार यही होता गया। और अनुराग ठाकुर भी इससे कुछ अलग नहीं थे, उनका भी इसी तरह का केस था। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत पुराना रवैया रहा है, चाहे एन श्रीनिवासन की बात करें, मैंने बात की थी कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग जब हुई थी, मामला चला था कोर्ट के बाद, कोर्ट में कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें, फिर उन्होंने स्टेप असाइड किया, स्टेप डाउन नहीं किया, इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया सुनील गावस्कर साहब को, कुछ दिन वो रहे, उसके बाद शशांक मनोहर बने, फिर जाकर के अनुराग ठाकुर की बारी आई। और हमने हर बार देखा है एक एक्सेप्ट केस कर दें हम शशांक मनोहर का, क्योंकि उनको गद्दी मिल गई आईसीसी में, उनको पता था कि जितना जल्दी जा सके, कि यहां तो कोहराम मचने वाला है, ये तो सबको पता था, इट वॉज द लल बिफोर द स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आने वाला है, उससे पहले एक हल्की सी शांति थी जो समय मिलता आ रहा था। मुझे लगता है कि ये रवैया पुराना है, कुछ नया नहीं है, लेकिन अभी साफ होने में काफी समय लगेगा, तब्दीलियां होंगी, पूरा जब तक व्हाइट वॉश नहीं हो जाता बीसीसीआई, तब तक के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, वालिया साहब आपसे भी फाइनल रिएक्शन में जानना चाहूंगी, क्या कुछ आगे आप देखते हैं, आगे क्या कुछ होना चाहिए आपकी नजर में? जी जी, यही है कि दोबारा स्टेट एसोसिएशन बैठेंगी, बोर्ड इटसेल्फ कोई संस्था नहीं है, जब सब स्टेटें बैठती हैं तो बोर्ड बन जाता है, बीसीसीआई बन जाती है, तो वहां पे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल सिंसियर हैं, गेम से जुड़े हैं। अब कलकत्ता में सौरभ गंगोली आ गए हैं, तो बहुत क्रिकेटर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और जो वर्कर भी हैं वो भी बहुत सिंसियरली जुड़े हुए हैं, तो फ्यूचर ब्राइट है, उनको बैठेंगे फिर एक नया सेटअप होगा। अभी तो स्टेटों का है कि उनको कौन सा लॉ लेना है, स्टेटें जब बैठेंगी तो सारा बनेगा, ये छोटा 5-7 दिन का मुद्दा नहीं है, इसको 5-6 महीने क्लैरिटी में लगेंगे जी, यानी कि आगे आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे सब कुछ ठीक हो, जो दाग लगते आ जा रहे हैं वो यहाँ पर साफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दीपांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जो बोल्ड हुआ है बीसीसीआई, अब आगे नजरें टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होगा भविष्य, उम्मीद यही है कि आगे सब कुछ ठीक हो, जो दाग लगते रहे हैं वो अब पूरी तरह से साफ हो जाए। इसी के साथ ही टीवी स्पोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना है, नमस्कार।